हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राजीव मोशन डिज़ाइनर यूट्यूब चैनल और मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आफ्टर इफेक्ट के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट एनिमेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये हमने आफ्टर इफेक्ट खोला हुआ है दोस्तों, और हम सबसे पहले लेंगे न्यू कंपोजिशन। तो हमने ले रखा है न्यू सॉलिड, लेंगे न्यू पे जाके सॉलिड लेंगे। इस सॉलिड पे क्लिक किया दोस्तों हमने, और यहाँ से हमने ये सॉलिड ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको में कुछ इफेक्ट डालेंगे। ये हमने यहाँ पर रैम टाइप किया हुआ है, इस तरह से आया हुआ है। मैं दिखाता हूँ दोबारा, RAMP रैम रैम करके इसको हम ड्रैग करके इसके ऊपर लाएंगे, तो ये कुछ ग्रेडियंट जैसा इफेक्ट इस पर आ जाएगा। यहाँ से हम कलर वगैरह इस तरह से करके हम सेट कर लेंगे, और यहाँ पे जाके हम रेडियल कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा कुछ। और फिर यहाँ से पकड़ के इसको हम सेंटर लाएंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ से हम कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से अपने आप हिसाब से थोड़ा सा बैकग्राउंड बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ टाइप करेंगे। हम टाइप कर लेते हैं राजीव मोशन डिज़ाइनर। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा देते हैं दोस्तों, यहाँ से बढ़ा ले, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब इसको हम सेंटर में करने के लिए यहाँ पे अलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके हम सेंटर में कर लेंगे दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, अब इस पर थोड़ा सा हम ड्रॉप शेडो करेंगे। तो ड्रॉप शेडो के लिए सी टेक्स्ट पे सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करेंगे, लेयर स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से ड्रॉप शेडो, इससे थोड़ा सा टेक्स अच्छा दिखने लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और न्यू सॉलिड बनाएंगे। न्यू पे गए, सॉलिड पे बनाया, ओके किया। ठीक है दोस्तों, अब हम इफेक्ट में जाएंगे, ये लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। इफेक्ट में जाएंगे, सिमुलेशन में जाएंगे, और CC पार्टिसिपल वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह का कुछ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम एंटर पॉइंट को पकड़ के हम यहाँ पे लाएंगे दोस्तों, और हम प्रोड्यूसर में जाएंगे, पोजीशन पे की फ्रेम लगाएंगे, और इसको हम पहले यहाँ लास्ट में लेके आएंगे दोस्तों। फिर 3 फ्रेम पे जाएंगे, और इसको ये यहाँ पे लेके ख़त्म कर देंगे, इधर इधर ले। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, ये इस तरह का कुछ दिख रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ चेंज करेंगे इसका यूज। तो इसके लिए हम फिजिक्स में जाएंगे, ग्रेविटी को ज़्यादा करेंगे, जिससे ये नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये पार्टिकल में जाएंगे, यहाँ से हम चूज़ करेंगे क्यूब, इस तरह का क्यूब बन के आ जाएगा। यहाँ से क्यूब का कलर हम यहाँ से क्लिक करके यहाँ से हम ले सकते हैं दोस्तों, क्लिक कर दिया। इसी तरह हमने दूसरा भी ले लिया दोस्तों, क्लिक कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, और पेन टूल की मदद से हम मास्क बनाएंगे। ये हमने बना लिया मास्क। तो और अब हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी खोलेंगे, मास्क पे खोलेंगे, मास्क वन पे भी क्लिक करके इसको खोलेंगे, और यहाँ पे की फ्रेम ऐसे हम की फ्रेम लगा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और फिर हम 3 फ्रेम पे आएंगे एक बार, और की फ्रेम लगा देंगे, और इसको हम ड्रैग करके ऐसे ले जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अब देखेंगे हमारा एनिमेशन क्या बना है दोस्तों। ये अभी थोड़ा सा और फास्ट हो गया है, तो इसको हम स्लो करेंगे। ठीक
ठीक है दोस्तों, ये देखो हमारा एक ये एनिमेशन, छोटा सा टेक्स्ट एनिमेशन बन के तैयार हुआ है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और नए वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।